हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी लाइव क्लास का पार्ट 13 है। और आज हम लोग फाइव जी एक्सरसाइज को लगाएंगे। कल हम लोगों ने फाइव या एक्सरसाइज को लगाया था। आई होप कल के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स थी आपकी व्हाट्सएप में दूर कर दी गई थी, फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर कर दें, लाइव वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर कर दें और लाइक और कमेंट बढ़ाएं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हों कमेंट में यस लिख दें। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हों कमेंट में यस लिख दें। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में आ गए हों कमेंट में यस लिख दें। वॉचिंग को बढ़ाएं। यहाँ पर आए हुए सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। शिवम यादव कह रहे हैं 3 नंबर। बेटा 3 नंबर में y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पावर में अंडर रूट एक्स की पावर में अंडर रूट एक्स और ये इन्फिनिटी तक था, तो आप y इज इक्वल टू इसको ले सकते हैं अंडर रूट एक्स की पावर में y। ध्यान से सुनते जाइए, y इज इक्वल टू ले सकते हैं अंडर रूट एक्स की होल पावर y। फिर जब आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स की होल पावर y। y आपका बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू y लॉग अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 होता है, फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू y बाई 2 लॉग x। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट d बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको बताएं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और किसी क्वेश्चंस पे आपको डिस्कस करना हो तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा, तो उसको लगा करके व्हाट्सएप में हम डाल देंगे। ओके महेंद्र, फेसबुक आईडी में कुछ लोग अपना आईडी को गलत बनाते हैं, तो भाई ये भी आपकी एक पहचान होती है फेसबुक भी, तो फेसबुक में सेटिंग वगैरह करके रखा करें और बाकी अपनी पहचान को सही नाम से दर्शाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म है सोशल डिस्टेंसिंग का, सोशल मीडिया है आपकी, ये बड़ी पावरफुल मीडिया होती है ये सोशल मीडिया फेसबुक, तो सब लोग अपने नाम से ही यहाँ पर आया करें, अच्छा लगता है इससे। वेद शर्मा कह रहे हैं 5 नंबर। ओके 5 नंबर सुन लीजिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट या लॉग x प्लस अंडर रूट लॉग x प्लस अंडर रूट लॉग x और ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग x और प्लस y हो जाएगा। फिर आप दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ये जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का वाई। फिर आप दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करके इसका अवकलन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे। ओके तो चलिए, समय आपका होने वाला है, तो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था इसकी चर्चा हम कर लेते हैं एक बार फिर से। तो
तो कल आप लोगों ने ये क्वेश्चंस लगाया था, क्वेश्चन नंबर 27, वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू यक्स की पावर वाई, दोनों पक्षों का लाग लिया था, प्रॉपर्टी लगाई थी, डिफरेंशिएट कर दिया गया था और डी बाई डी एक्स को एक साइड करके वैल्यू को फाइंड कर लिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 27 था। इसके बाद आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, इसको यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लिया गया था। ये दो फलन थे, फर्स्ट सेकंड लगा था और ई की पावर एक्स का फार्मूला बन रहा था। फिर डी बाई डी एक्स जितना भी दिए गए थे इसको एक साइड कर लिया गया था और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली गई थी। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 33 था, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म, इसको अवकलन करना था और एफ डैश एन वन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया था, आप ना भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एफ एक्स इज इक्वल टू ले सकते हो और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये देखिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया था तो ये टर्म आ गया था आपके पास, लॉग वाई इज इक्वल टू दिस टर्म, प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, y को पक्षांतर कर दिया, y की वैल्यू रख दी और ये dy by dx की वैल्यू आ गई। इसी dy by dx को हम एफ डैश एक्स कह सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो dy by dx y का डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। तो dy by dx एफ डैश एक्स बात एक ही है, तो एफ डैश एक्स की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर फिर हमने दोनों पक्षों में x इज इक्वल टू वन रख दिया चूँकि एफ डैश वन भी हमें फाइंड करना था, तो एफ डैश वन निकाला हमने और ये इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू निकल करके आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखा था, छः क्वेश्चन थे आपके पास। तो ये सेकंड नंबर था आपका, डी बाई डी एस को अंदर ले गए और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद ये सिक्स नंबर क्वेश्चन था, कॉस लॉग ये हो गया आपके पास। अनुज पाल क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके बेटा देख लेते हैं नेटवर्क को हम। अभी बताइए वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है सभी को, जल्दी से लाइक और कमेंट करें, वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, वीडियो सभी को क्लियर दिख रहा है, सभी लोग अपने नेटवर्क को देख लें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 4 पर, लॉग लॉग एक्स ये थर्ड नंबर है आपका, ई की पावर रूट एक्स, और ये हमने एक एग्जांपल लिया था अनंत श्रेणियों के योगफल का, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। तो इसमें ये देखना होता है कि आपका वाई टर्म कहाँ से बन रहा है, बस ये पहचानना होता है कि इसमें वाई टर्म आपका कहाँ से, वाई टर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास वाई टर्म को इसमें बता रहा है, तो ये हमारा एक्स की पावर वाई बन गया, दोनों पक्षों का लाग लिया, प्रॉपर्टी लगा दी, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया और ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई। तो ये एक एग्जांपल लिया था हमने, इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास है। अब इसमें भी देखना है वाई टर्म कहाँ से बन रहा है, तो ये देखिए रूट एक्स की पावर प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये आपका अगर वाई इज इक्वल टू रूट एक्स लिखें तो ये आपका यहाँ से वाई टर्म आपके पास बन रहा है, तो इसकी जगह पे वाई टर्म लिख दिया। अब ये रूट है तो रूट कैसे हटता है, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया हमने, रूट हट गया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स, इसमें भी वाई टर्म कहाँ से बन रहा है, अगर हम इसको ध्यान दें इस क्वेश्चन को, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है रूट टेन एक्स प्लस के अंदर रूट टेन एक्स प्लस के अंदर रूट टेन एक्स, तो अगर ये रूट टेन एक्स आप लिखें तो ये आपका वाई टर्म बन रहा है यहाँ से, तो इसकी जगह पर वाई पुट कर दिया, रूट है तो दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, रूट हट जाएगा और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में था, ये आपके पास है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, अभी हमने इसको ओरल बताया भी था, प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा, फिर से इसको हम यहाँ पर बता देंगे और आपके व्हाट्सएप में डाल देंगे। थर्ड नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क था आपका, ये भी आप लोगों ने अभी किसी ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको अभी ओरल बताया मैंने वीडियो में,
प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, व्हाट्सएप में इसको लगा करके डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में लिया था आप लोगों ने, 6, 7 और 9 ये आपके पास होमवर्क में थे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था आप लोगों ने, तो ये मैंने बता दिया था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रामू द्विवेदी बताइए क्या समस्या है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1/x² तो यहाँ पे ये देखना है कि वाई टर्म अब कहाँ से बन रहा है, तो देखिए यक्स स्क्वायर वाई कैसे है, यक्स स्क्वायर प्लस फिर करके 1/x², तो आप ध्यान से देखें यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1/x² ऐसे बन रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ये वैल्यू को लिखें तो वाई टर्म आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है, तो इसकी जगह वाई पुट कर दिया। अब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये देखिए 1/x का फार्मूला था, -1/x² टाइप का, तो इसको अगर एक्स मान के चले तो ये हो जाएगा, वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि यक्स नहीं था, डीवाईडी एक साइड लिया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप में आप मैसेजेस को डाल सकते हैं। और जब भी क्वेश्चंस पूछा करें तो क्वेश्चंस की पिक्चर जरूर भेज दिया करें व्हाट्सएप में, इस क्वेश्चन को पूछना हो उसकी पिक्चर भेज दिया करें। चलिए तो आज हम लोगों को स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5G। विनय कुमार साहू ये कह रहे हैं 7 नंबर कॉस एक्स की होल पावर कॉस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। देखिए कॉस एक्स की होल पावर कॉस एक्स की होल पावर कॉस एक्स है तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स की होल पावर वाई, चूंकि यहाँ से वाई टर्न बन रहा है। अब जब कॉस एक्स की होल पावर वाई हो गया दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो लाग वाई इज इक्वल टू लाग कॉस एक्स की होल पावर वाई, वाई आपका बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग, तो लाग वाई इज इक्वल टू वाई लाग कॉस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा लाग वाई इज इक्वल टू वाई लाग कॉस एक्स, फिर आप दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और यहाँ से डीवाई बाई डी एस की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। महेंद्र कुमार नो प्रॉब्लम सर, ओके वेरी गुड। तो और कोई समस्या आपकी, आगे बढ़े हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दें, हम इसको लिख करके बता देते हैं अगर कोई समस्या हो तो। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ओके तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी लाइव क्लास का पार्ट 13 है, 12 वीडियो आपके फेसबुक पे पड़े हुए हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें विमल परिहार, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें और वहाँ पर आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक पेज में आपको आसानी से वीडियो मिल जाएंगे, आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक में। चलिए तो 5G एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन। रामू द्विवेदी क्या हो गया बेटा, प्रॉब्लम है आपको, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं हमें, और कुछ वैसी समस्या हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर हमने अभी फ्लैश किया था, आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। जब लाइव वीडियो चल रही हो तो आप डायरेक्ट कॉल किया करें, व्हाट्सएप कॉल ना किया करें, सीधे डायरेक्ट कॉल किया करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, क्वेश्चंस में कह रहा है, इन सारे क्वेश्चंस में डी वाई बाई डी एक्स याद करना है आपको। ये फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दिया गया है, आप इसमें यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे यक्स स्क्वायर का प्लस 2h कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे xy का, b कांस्टेंट है,
डिफरेंशिएशन करेंगे वाई स्क्वायर का, और जीरो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ज़ीरो। अब ये देखिए, यक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू यक्स, ये टू एच कॉन्स्टेंट था, और एक्स वाई फर्स्ट सेकंड लग रहा है तो फर्स्ट सेकंड लगा दें, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बी कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर एक्स की पावर एन का फॉर्म लगेगा, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई, और वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया टू ए एक्स प्लस का टू एच, मल्टीप्लाई कर दें एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर आपके पास हो जाएगा टू एच वाई, और यहाँ पे यक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, ये हो जाएगा टू बी वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखिए टू सभी जगह नज़र आ रहा है, आप इस टू को कॉमन लेके ज़ीरो की तरफ भेज दें, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का टू एच वाई प्लस का टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास वैल्यू आ गई। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स डी वाई से दोनों साइड है आपके पास, यहाँ भी है यहाँ भी है, दो जगह है आपका, कॉमन ले सकते हैं। तो एच एक्स, सॉरी यहाँ पे टू आपका हट चुका है तो टू आपका नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एच एक्स है यहाँ बी वाई है, तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी जो वैल्यू है आप इसको पक्षांतर कर सकते हैं। ये देखिए इधर जाएगा माइनस, हमने कॉमन ले लिया ए एक्स, और प्लस का एच वाई हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का ए एक्स प्लस का एच वाई डिवाइड बाई एच एक्स और प्लस का बी वाई, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कॉल अटेंड कर लेते हैं, ओके कर दीजिए कॉल। तो इस एक्सरसाइज में इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ बताइए, हाँ बताए बेटा, हाँ लाइव क्लास इसमें बेटा चल रही है, आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए डी आई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई प्लस एच एक्स प्लस, आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। रामू द्विवेदी आप हमें कॉल कर लीजिए, आपकी कुछ प्रॉब्लम अलग लग रही है हमें। रामो द्विवेदी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस टाइप का है आपके पास, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए जब इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, टू कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन करेंगे यक्स का, थ्री कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन करेंगे वाई का, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का। तो देखिए यक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया वन, थ्री कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो आपके पास वैल्यू आ गई थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इस टू को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का टू, ये आपके पास आंसर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप ले सकते हैं, ये हो जाएगा वन अपान थ्री कॉस एक्स माइनस का टू। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, वन अपान थ्री का आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अब आप देखिएगा यहाँ पर साइन वाई है, तो यहाँ पर भी आप x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। बस आपको जो तरीका बताया गया है, जो फार्मूले बताए गए हैं, आप उसको ध्यान से देखते रहें और उसको लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे
यक्स का, थ्री कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे वाई का और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन वाई का। देखिए यक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और साइन वाई, साइन वाई साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो अगर इसको यक्स माने तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप एक साइड ले लें और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास वैल्यू बच रही है। कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो, हाँ बताएं, खुश रहो बेटा, बताओ। क्लास स्टार्ट है बेटा, फेसबुक पर चल रही है इस समय, विमल पर यार उसको सर्च करो और उसमें लाइव वीडियो पर आ जाओ, ठीक है, चल रही है लाइव वीडियो। इस लाइव वीडियो को आप शेयर कर दें, एक बार आप फेसबुक पे भी शेयर कर दें, फेसबुक के साथ साथ आप व्हाट्सएप में भी शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे दिक्कत हो रही है वो आसानी से यहाँ पर आ सकें। तो ये देखिए आपका आंसर, आप इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। पक्षांतर अगर करना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3 माइनस कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस का 2, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस का कॉस वाई। अगर आप माइनस का इधर अंदर गुणा कर दें तो जाएगा 2 अपॉन कॉस वाई माइनस का 3। इस तरीके से आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो साइन वाई है, अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं। वैल्यू किस तरीके से, इस कॉस वाई को चेंज कर लें साइन वाई में, देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, 2 अपॉन कॉस वाई को, क्या कॉस वाई का मतलब होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, यही तो मतलब होगा, माइनस 3 ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, और साइन वाई की वैल्यू क्या है, साइन वाई की वैल्यू है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस का 3। ऐसा भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस में, यही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कॉस एक्स को साइन एक्स में चेंज कर दें और साइन एक्स की वैल्यू रख दें, तो इतना भी किया जा सकता है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कैलकुलेशन कर, ऐसा भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 5x² प्लस 5y² माइनस का 11x माइनस का 9y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी तरीके का है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका फर्स्ट की तरह है, ठीक है, तो इसको भी आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये देखिए 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे यक्स स्क्वायर का, यहाँ भी 5 कांस्टेंट है, हल हो जाएगा, बहुत अच्छे बेटा, हल हो जाएगा, कोई बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही आपको होमवर्क में देने हैं, इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। माइनस का 9 डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स 12 और 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा। ये देखिए 5 कांस्टेंट है, यक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का अगेन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस 11, यक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 9, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और 12 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसमें जहाँ जहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है आप इसको कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए इसको पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है, ये हो जाएगा 10x, फिर आपके पास हो गया 10y डी वाई बाई डी एक्स, 10y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 11 और ये आपके पास है माइनस का 9 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो 10y माइनस का 9 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी को आप पक्षांतर कर सकते हैं,
तो हो जाएगा 11 और माइनस का 10x, तो डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 11 माइनस का 10x डिवाइड बाई 10y माइनस का 9, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन को लगाया था, तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसको हम छोड़ दें? पहले से कमेंट करें क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा। स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करें क्या ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशियल 1, बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, वाई का अगेन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और वाई का फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? और डी वाई बाई डी एक्स एक साइड लेकर के आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका होमवर्क देते हैं, अभी मैंने बता दिया किस तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है एक्स की पावर 2/3, वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। जब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कॉल अटेंड कर लेते हैं। हाँ बताया। वीडियो बेटा पड़ी हुई है, राहुल बोल रहे हो ना? अच्छा, सौरभ बोल रहे हो, ठीक है। उसमें वीडियो पड़ी हुई है, लाइव वीडियो चल रहा है, उसको आप ध्यान से देखो, उसमें कहीं मिल जाएगी आपको। बच्चों से कह दिया है कि आप इसको शेयर कर दें, ठीक है? व्हाट्सएप में देख लो, व्हाट्सएप में भी कुछ बच्चों ने शेयर कर दिया होगा, देख लो उसको, वहाँ वहाँ से जा कर के आ जाओ। डायरेक्ट ऐप से चला रहे हो ना? नहीं, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट फेसबुक ऐप से चलाते हो कि किसी साइट से जाके चलाते हो? हाँ, डायरेक्ट चलाओ, डायरेक्ट मिल जाएगी। नाम सर्च करो और उसमें देख लो। देख लो, थोड़ी सी कहीं दिक्कत होगी सेटिंग वगैरह, या फिर उसमें टाइमलाइन में दिक्कत आ रही होगी कहीं पे, आप उसको देख लो। फेसबुक पेज पे नहीं मिलेगा तुम्हें, उसी में मिलेगा, फेसबुक पेज पे नहीं है चल रही वीडियो। फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप में वीडियो को मैंने नहीं चला रखा है, ये टाइमलाइन में चला, टाइमलाइन में ही मिलेगा आपको। हाँ, इसको सीधे ओपन कर लो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है? ओके बेटा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, इस लाइव वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दें, ठीक है? इस लाइव वीडियो को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर दोनों जगह शेयर कर दें। कुछ बच्चों की कॉल आ रही है, उनको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें। ये देखिए, आपके पास डिफरेंशिएशन आप इसको करना है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए की पावर 2/3। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या बन रहा है, एक्स की पावर एन टाइप बन रहा है, तो लगा दीजिए एक्स की पावर एन, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक्स की पावर 2/3, और 2/3 में 1 माइनस करो, ठीक है? तो 2/3 में जब एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस वन, लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्लस इसको आप डिफरेंशिएट करिए 2/3 एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। और ये देखिए, इसमें कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है, कहीं पर भी चरराशि नहीं है, ठीक है? दीपक कह रहे हैं दिख नहीं रहा है। ओके बेटा, हाँ अभी बताइए दीपक, दिखाई पड़ रहा है? दीपक जल्दी से कमेंट करें, वीडियो दिख रहा है? दीपक पाल जल्दी से कमेंट करें, वीडियो दिखाई पड़ रहा है? वीडियो दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से कमेंट करें, सभी को वीडियो दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करें। ओके, अभी देखिए, इसमें कहीं पर भी चर राशि नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो रहा है। नितिन कह रहे हैं दिख नहीं रहा, बबलू दिख रहा है? नितिन अपना नेटवर्क चेक कर लें एक बार, नेटवर्क को रिफ्रेश कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, तो 2/3 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ क्या बचा, एक्स की पावर में 2/3 में एक घटाओ माइनस का 1/3, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई की पावर माइनस 1/3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। 2/3 आपके पास
जीरो की तरफ भेज दिया, वाई की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप अक्षांतर कर सकते हैं, वाई की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर में -1/3। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसको भी आप अक्षांतर कर दीजिए वाई वाले टर्म को, तो ये हो गया वाई की पावर -1/3। अभी देखें माइनस लगा हुआ है, ये आपका हर में चला जाएगा, ये पावर माइनस लगा हुआ है ये आपका अंश में चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा वाई की पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/3, या पूरे की होल पावर आप 1/3 इसको कर सकते हैं, तो माइनस का वाई अपान एक्स की होल पावर 1/3 घातांकों के नियम के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, पहले से लाइक और कमेंट कर दें, फिर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चंस क्लियर हो गया जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें, क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। सेम क्वेश्चन है, यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये देखिए, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टैन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स वाई। ये देखिए एक्स वाई में फर्स्ट सेकंड लग रहा है, तो आप इसमें फर्स्ट सेकंड का यूज़ कर दें, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, यक्स डी वाई डी एक्स वाई यक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स और प्लस का है डी वाई डी एक्स। बहुत अच्छी बेटा हो जाएगा, ओके वेरी गुड, अगर आप लगा सकते हैं तो। कि देखिए डी आई बाई डी एक्स तीन जगह है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, तो यक्स हो गया, यहाँ से आपने डी आई बाई डी एक्स कॉमन लिया 2y हो गया, इसको इधर जब पक्षांतर करके कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 1 हो गया, बाकी वैल्यू को आप उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और माइनस का वाई। तो डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बेटा नेटवर्क को चेक कर लीजिए एक बार, sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y माइनस का 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सर ये नेटवर्क को देख लें, अपने नेटवर्क को चेक कर लें, आप नेटवर्क आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स वाई है प्लस का वाई स्क्वायर है और ये आपका 100 है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आई होप आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें। ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट सेकंड से, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, वाई का डी आई डी एक्स और 100 का डिफ्रेंशिएशन 0, और डी आई डी एक्स को कॉमन लेके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 8 लग जाएगा, जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 8 लगा सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें। शशि दिख नहीं रहा, जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। आयुष पटेल कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, यस सर विनय, यस ओके लग जाएगा, सौरभ ओके वेरी गुड बेटा। तो ये आपका होमवर्क हम दे देते हैं, आपके दो क्वेश्चंस होमवर्क में हो चुके हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है टेन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स और बेस में क्या है ई, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन वाई और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स।
ये देखिए, जब आपने यहाँ पर टेन वाई का डिफरेंशिएट किया तो टेन ऐसा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे चूंकि एक्स नहीं था, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये देखिए ये डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, वन अपॉन एक्स सेक स्क्वायर वाई। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास बात है, आप देखो इसको चेंज कर सकते हो। सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। अब देखो टेन वाई की वैल्यू थी, तो टेन वाई की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका खास था, तो ये देखिए लग गया वन प्लस टेन वाई की जगह पर रखा तो टेन का होल स्क्वायर था, इसलिए लॉग एक्स का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका डी ऑफ डी एक्स, इसमें भी ज्ञात करना है, और क्वेश्चंस में दिया गया है एक्स की पावर वाई और प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, जब इसको आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वाई और प्लस डी बाई डी एक्स वाई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए की पावर बी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए फलन की पावर फलन है, तो इसको आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लॉग से करेंगे इस क्वेश्चंस को, ये भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, इसको भी लॉग से करेंगे, और ये देखिए कांस्टेंट है, कहीं भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अब इन दोनों के डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे और यहाँ पर दोनों की वैल्यू को रखेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर हम क्या मान लें, यहाँ पर हमने मान लिया, माना वाई वन इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, फिर आप दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे, तो लाग वाई वन इज इक्वल टू लाग एक्स की पावर वाई। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये हो जाएगा वाई लाग एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स लाग वाई वन, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई लाग एक्स। इस तरह क्वेश्चन पीछे हो गया था, लाग वाई वन का वन अपान वाई वन, वाई वन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई वन अपान डी एक्स, और यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड लग रहा है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई वन अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए वाई वन आपका राइट साइड में हो गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स, और ये आपके पास है लॉग एक्स, और यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स। अब आप y1 की वैल्यू दोनों जगह पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, वाई वन की वैल्यू x की पावर y, यहाँ पर भी रख दिया x की पावर y, ये आपके पास है y अपॉन x, और यहाँ पर आपके पास है log x dy वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर y का अंदर गुणा कर दें, तो ये जब पावर में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इंटू एक्स की पावर में y माइनस वन, यहाँ हो जाएगा x की पावर y लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखिए हमने इसका डिफरेंशिएशन ये फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम इस वैल्यू को लेंगे, अब आपको डिफरेंशिएट करना है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस क्वेश्चंस को भी हमने क्या किया, इसको हमने वाई टू के इक्वल मान लिया, वाई टू इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, इसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग वाई टू इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई टू, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स यक्स लॉग वाई,
अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई टू का डिफ्रेंशिएशन 1/y2, और वाई टू का फिर से करेंगे डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ये देखिए फर्स्ट सेकंड लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाई टू हमारा इधर आ गया, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब आप वाई टू की दोनों जगह वैल्यू रख सकते हैं, तो डी वाई डी एक्स हो गया, वाई टू की वैल्यू है वाई की पावर एक्स, यहाँ पर भी रख दिया वाई की पावर एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा लॉग वाई। वाई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर माइनस वन ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई की पावर में एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई की पावर एक्स और इंटू लॉग वाई। ये देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया है। अब आप इसको समीकरण एक में रख दें, तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, समीकरण फर्स्ट था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वाई और प्लस डी बाई डी एक्स वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू थी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू है वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और इसकी वैल्यू आपके पास है एक्स इंटू वाई की पावर में एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई और इज इक्वल टू आपका 0 है। जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है आप इसको कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स एक्स वाई की पावर में एक्स माइनस वन, ये हमने कॉमन आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया है, बाकी वैल्यू को आप पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ये भी उधर चला गया, तो वाई एक्स की पावर में वाई माइनस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का, इसको आप पहले रख सकते हो, तो वाई एक्स की पावर में वाई माइनस वन वाई की पावर एक्स लॉग वाई डिवाइड बाई एक्स वाई की पावर में एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई, और ये हो जाएगा लॉग एक्स। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें, फिर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये क्वेश्चंस पहले भी हो चुका है इस टाइप का, अंतर ये था कि बस ये नहीं था, ए की पावर बी नहीं था, बाकी क्वेश्चन सेम था। दिख नहीं रहा, चलिए अभी बताइए अंकित, वीडियो दिखाई पड़ रहा है? नेटवर्क को चेक कर लेते हैं, इधर से बिल्कुल ठीक है बेटा, आप अपने नेटवर्क को देख लें एक बार अच्छे से, वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से कमेंट करें। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो चला जाए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस आप पेशेंस रखें और जैसा तरीका बताया गया आप उस तरीके पे अपने रहें, आपकी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और फार्मूले को अपने माइंड में रखें।
ये देखिए, जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई, और प्लस क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स के लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। साइन का अवकलन होता है कॉस, लेकिन साइन का स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन पे अगर स्क्वायर लगा हुआ तो किसका फॉर्मूला बनेगा, एक्स की पावर एन का, ठीक है। तो आप ये पहले लगा चुके हैं तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तो इसको साइन का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर एन से, तो ये हो जाएगा टू साइन वाई। अब यक्स तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन वाई को, एक्स की पावर एन का लगा हुआ है यहाँ पर। अभी देखिए कॉस है, कॉस पे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, कॉस एक्स, ये यक्स की जगह पे यक्स इंटू वाई है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स वाई। अब यक्स तो है एक्स वाई को, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये हो जाएगा टू साइन वाई। और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, और वाई का फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। चलिए ये फर्स्ट सेकंड है, तो एक्स इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको आप साइन टू वाई कर सकते हैं, टू साइन ए कॉस ए के फार्मूले से इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, तो यक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई साइन एक्स वाई, और ये देखिए यक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया। आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो साइन टू वाई माइनस का यक्स साइन एक्स वाई, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बाकी ये जो वैल्यू है आप इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो वाई साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई साइन एक्स वाई साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से कमेंट करना, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जल्दी से कमेंट करें। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा तो जल्दी से कमेंट करें। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। उसी तरीके क्वेश्चंस है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, वाई का डी वाई डी एक्स 81 का 0, और सारे डी वाई एक साइड लेकर के आप इसको निकाल सकते हैं। तो क्या आप क्वेश्चन लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। तो आगे हम लोग 13 नंबर पर चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 लग जाएगा जल्दी से कमेंट करें। ओके, काफ़ी लोग कह रहे हैं हो जाएगा, यस, राम राम भी कह रहे हैं, यस आरिफ, ओके। तो चलिए, तो आज आपके क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन होमवर्क में हो गए हैं, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, क्वेश्चन आपके होमवर्क में जा चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, यक्स की पावर यक्स और प्लस वाई की पावर वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये देखिए, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लगाया है उसी तरीके का है, वो तो नहीं है लेकिन उसी तरीके का है। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वन का जीरो हो जाएगा, और फिर इसका अलग और इसका अलग करेंगे, इसको वाई वन माने करेंगे, इसको वाई टू मान करके लॉग लेकर करेंगे, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा। नीलेश कह रहे हैं दिख नहीं रहा बेटा, एक बार आप अपने नेटवर्क को चेक कर लें कि आपका नेटवर्क बकायदे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बताएं अभी दिख रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 पे कमेंट करें क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो आप लिख दें 13 हो जाएगा, ऐसा आप लिख दें। 13 नंबर अगर हो जाए तो लिख दीजिए 13 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं कमेंट में, जल्दी से बताएं, नहीं तो इसको हम लगा देते हैं। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 को कमेंट करें। अच्छा, स्वाति कह रही है कि हाँ 13 हो जाएगा,
कृष्णा कह रहे हो जाएगा, इलियास कह रहे हैं यस हो जाएगा, ओके, अभी रामू द्विवेदी कह रहे हो जाएगा, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको लगा पा रहे हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को क्लियर करते रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत करीब हो गए हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के, ठीक है, अब बहुत ही कम एक्सरसाइज बची हुई है इस चैप्टर में, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका सत्ता उकलनीता, बहुत सारी एक्सरसाइज थी इसमें। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आपके मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो रहा है यूपी बोर्ड का, 10 और 12 की कॉपियां चेक होने वाली हैं 5 मई से, तो अगर कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होता है तो उसमें छुट्टी मूल्यांकन में भी हमारी ड्यूटी लगी थी, तो हो सकता है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो बनाने में, क्योंकि सुबह से शाम तक होता है, तो फिर हो सकता है कि आपकी लाइव की जगह पर वीडियो डाले जाएँ या फिर कुछ अंतर करके वीडियो बना के डाले जाएंगे, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करने में हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर ए, ए की पावर एक्स और प्लस ए की पावर ए, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इसको वाई इज इक्वल टू मान लिया हमने, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर ए, ए की पावर एक्स, और ये आपके पास है ए की पावर ए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का अवकलन डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, और फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर ए। तो देखिए यक्स की पावर एक्स ये आपका फलन की पावर फलन है, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता है, यक्स की पावर ए, यक्स की पावर एन टाइप है, ये हो जाएगा, तो ए एक्स की पावर में क्या हो जाएगा, ए माइनस का 1, ये ए की पावर एक्स है, इसका भी फार्मूला होता है, तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लाग ऑफ ए बेस में ई, और ये कांस्टेंट है, कहीं वेरिएबल नहीं है इसमें, तो इसका अवकलन क्या हो गया, 0। तो आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, ए एक्स की पावर में ए माइनस 1 और ए की पावर एक्स, और ये हो जाएगा लॉग ए बेस ई, और इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ये देखिए जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स करेंगे तो किस तरीके से करते थे, इसको हमने चूँकि वाई तो ऊपर मान चुके हैं तो इसको वाई वन ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, तो लॉग वाई वन इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, तो लॉग वाई वन इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये हो जाएगा यक्स लॉग एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई वन और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यक्स लॉग एक्स। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई वन का होगा 1/y1, वाई वन का डी वाई वन अपॉन डी एक्स, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया है, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स, वाई वन यहाँ हो गया, ये से कैंसिल, 1 प्लस लॉग एक्स। वाई वन की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दिया, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये देखिए आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशियल आप लोग निकाल चुके हैं तो रख दीजिए, यक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की पावर में ए माइनस 1 और ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस में ई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी हो जाएगा बबुल तिवारी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
तो अभी तक आपके पास 3 क्वेश्चंस होमवर्क में हो चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक लगा चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर को देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर वाई। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये देखिए वाई है यहाँ पर, एक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पर वाई है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के साथ अवकलन कर दें, जब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, इसको अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, और इसको अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 1। अब ध्यान दीजिएगा साइन नहीं है, ये साइन का स्क्वायर है, तो साइन का स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स की पावर एन के फार्मूले से हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2 sin x, और साइन को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी देखिए कॉस का स्क्वायर है, तो यहाँ भी एक्स की पावर एन का बनेगा, तो हो जाएगा 2 cos y, और cos y को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर ये देखिए 2 sin x हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा 2 cos y, और cos y का डिफ्रेंशिएशन साइन y, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो गई आपके पास साइन 2x, और -2 sin y cos y, sin 2 y आप ले सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 0। आप वैल्यू को पक्षांतर कर सकते हैं, sin 2 y dy/dx। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और इसको देखें तो ये एक्सरसाइज आप लगा भी सकते हैं, sin 2x और अपान हो जाएगा sin 2 y, और आसान तो सारी चीज़ें होती हैं, कठिन वो होता है जो आपको नहीं आता है, और क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो सारी चीज़ें आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका प्रूफ करने का क्वेश्चन है। सिद्ध करना है आपको dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1 + x² की होल पावर -2। जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखा करें कि आपको क्वेश्चंस में क्या सिद्ध करना है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखा करें, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं जैसा सिद्ध करना होता है। ये देखिए आपको दिया गया है y√(1+x) इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, dy/dx में कहीं भी y नहीं आ रहा, और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y आपका आएगा, इसका मतलब y हमें यहाँ से हटाना है, y जब आपका हट जाएगा तो डिफ्रेंशिएशन में फिर आप इस आराम से कर सकते हैं। तो पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, हाई स्कूल में आपने इस तरह के कैलकुलेशन किए हुए हैं, जब भी इस तरह से रूट होता है तो आप एक रूट को उधर ले जाते हैं और रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्क करते हैं। देखिए जब वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², इसका रूट हट जाएगा 1 + y, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, y², ये भी रूट जाएगा 1 + x, अंदर इसे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x² + x²y, ये हो जाएगा y² और प्लस का xy², इसको इधर पक्षांतर कर लें, x² के साथ y² ले सकते हैं, और यहाँ पे इसके साथ हमने माइनस का xy² लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपके पास फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y। यहाँ भी देखिए xy अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो रहा है x - y, आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमन आ रहा है, अगर हम x - y को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा x + y और +xy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को नहीं ले रहे हैं क्योंकि y इज इक्वल टू x हो जाएगा इसको लेने से, और y इज इक्वल टू x लेंगे तो y डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1, और 1 तो हमें प्रूफ नहीं करना है, तो इस वैल्यू को हम नहीं ले रहे हैं, दूसरी वाली वैल्यू को ले रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ से x + y + xy को अगर हम 0 करें
और यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू निकाल लें, वाई अगर कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, पक्षांतर कर दें, फिर डिफरेंशिएट कर दें। चलिए अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो y का अवकलन dy बाई dx माइनस हमने बाहर कर लिया, डिफरेंशिएट करेंगे x अपॉन 1 + x को, ठीक है। दिख नहीं रहा, ओके बेटा, नेटवर्क को चेक कर लेते हैं एक बार, नेटवर्क बिल्कुल ओके है। अभी बताइए वीडियो सभी को क्लियर नज़र आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें। वीडियो सभी को क्लियर दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करें, उसके बाद हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो क्लियर दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करें। वीडियो सभी को क्लियर नज़र आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें। एक बार नेटवर्क को रिफ़्रेश कर लें, जिसको वीडियो नहीं दिख रहा हो, नेटवर्क को रिफ़्रेश कर लें, स्क्रीन थोड़ा टच कर लिया करें। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ यस दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। तो आंसर का फार्मूला क्या होता है, हर का वर्ग, फिर क्या होता है, हर गुणित अंश का अवकलन और ऋण अंश गुणित हर का अवकलन माइनस का 1 + x, यक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 का 0 यक्स का 1 हो जाएगा, और ये आपके पास है 1 + x का होल स्क्वायर। आप इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, सॉरी ये माइनस आपका यहाँ पे लगा हुआ था, ऊपर नहीं था, बाहर लगा हुआ था। ये देखिए ये हो जाएगा 1 + x, ये आपके पास है -x डिवाइड बाई 1 + x का स्क्वायर। ये देखिए यस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस का 1 / 1 + x का होल स्क्वायर। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था, इसको आप पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये जाएगा -1 + x की होल पावर में -2, और ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 16 नंबर दोबारा बता दें, बिल्कुल बेटा। ये देखिए हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, पहले इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, ये देखिए हमने इसको इधर पक्षांतर किया, और पक्षांतर करने के बाद दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। जब वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से रूट हट गया 1 + y, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट गया, वाई स्क्वायर का अंदर गुणा कर दिया, इस वैल्यू को हम यहाँ पर ले आए, वाई स्क्वायर को इसके साथ, एक्स वाई स्क्वायर को इसके साथ। इन दोनों में फार्मूला बन रहा है a² - b² का, इसमें कॉमन है एक्स वाई, इन दोनों से कॉमन है x - y, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर x - y लेंगे तो y = x हो जाएगा और डिफरेंशिएशन आएगा 1, और 1 हमें प्रूफ नहीं करना है। तो इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल ले रहे हैं, और यहाँ से y कॉमन ले रहे हैं, y की वैल्यू निकाल लिया, और फिर इसको दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ से अवकलन किया, तो y का अवकलन dy/dx माइनस बाहर हो गया, इसका अवकलन करेंगे, ये आंसर का फॉर्म लग रहा है, तो हर का वर्ग, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक, ऋण अंश गुणित हर का अवकल गुणांक। डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसको अंदर ले जाएंगे, 1 का 0 और एक्स का 1, फिर इसको अंदर कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को ऊपर कर देंगे, पावर में -2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आगे बढ़े।
अवधेश दिख नहीं रहा। अभी बताएं अवधेश, अब दिखाई पड़ रहा है अपने नेटवर्क को, देख लें अवधेश, वीडियो दिख रहा है अभी, अभी वीडियो दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन को टच कर लें उसके बाद बताएं, वीडियो दिख रहा है। उमेश कुमार कह रहे हैं दिख नहीं रहा, नेटवर्क चेक कर लेते हैं एक बार हम। इधर बिल्कुल सही है, इधर क्वालिटी सही आ रही है, एक बार आप अपने नेटवर्क को देख लें और उसको रिफ़्रेश कर लें वीडियो को। वीडियो दिखाई पड़ रहा हो तो आगे चलें, नाजिया वीडियो दिख रहा हो तो आगे बढ़ें। चलिए वीडियो क्लियर हो जाएगा तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर करते हैं 17 पर, 17 नंबर चलेंगे। आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए हैं, वीडियो क्लियर नहीं है। ओके पेशेंस रखें, वीडियो क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क को एक बार जांच लें और धैर्य रखें, आपका वीडियो अभी क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसा हो जाता है, एक बार नेटवर्क को चेक कर लें, नेटवर्क को चेक कर लें और उसको रिफ़्रेश कर लें, थोड़ा स्क्रीन को टच कर लें। वीडियो क्लियर हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, परेशान ना हो। बबलू तिवारी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं दिख रहा है। ओके बेटा, हम थोड़ा सा नेटवर्क को रिफ़्रेश कर देते हैं, आप परेशान ना हो। अवधेश कह रहे हैं दिख रहा है, ओके वेरी गुड। श्याम यादव, यस सर, ओके दिखने लगा, सभी को वीडियो दिखने लगा, बबलू तिवारी को अभी नहीं दिख रहा। थोड़ा पेशेंस रखें बबलू तिवारी, दिखने लगेगा नेटवर्क, वो नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसा होता है। ओके ओके अंकित दिख रहा है, ओके ओके अनुज, ओके सनु, शशि, ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, वीडियो आप क्लियर हो गया है तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ओके बबीता, तो ये देखिए, ये हमें क्वेश्चंस को सिद्ध करना था और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये आपको सिद्ध करना है और हमें दिया क्या गया है, दिया गया है अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस का वाई। देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई प्रॉपर्टी लग रही हो तो उसको आप जरूर अप्लाई करें, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन रही है लेकिन एक्स वाई है, तो इसलिए दोनों अलग अलग यहाँ पर मानने पड़ेंगे आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अलग अलग लेनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज़ किया, एक्स इज इक्वल टू हम मान रहे हैं साइन ए और y इज इक्वल टू हमने ले लिया साइन b और इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b और ये हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा साइन a और माइनस का साइन b। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्रॉपर्टी है आपकी, कौन सा फार्मूला बनता है, cos a हो जाएगा और ये देखिए हो जाएगा कॉस बी, फिर यहाँ पर है ए साइन ए और माइनस का साइन बी। अब इसमें प्रॉपर्टी लग रही है साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू,
ये होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos C + D/2 और साइन सी माइनस डी बाई टू। ये देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, बराबर के दोनों साइड हैं, ये कॉस ए प्लस बी सी, ये भी कैंसिल, ए माइनस बी बाई टू, और ये हो जाएगा ए साइन ए माइनस बी बाई टू। इसको इधर कर लीजिए, ए को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा साइन का ए माइनस बी बाई टू अपान कास का ए माइनस बी बाई टू, और ए जब इधर आएगा तो ये हो गया 1/a। देखिए दोनों एंगल सेम है, तो साइन अपान कॉस हो जाएगा टेन, और ये हो जाएगा 1/a। टेन को जब आप पक्षांतर करेंगे राइट साइड पर, तो टेन जब पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, उसका इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स 1/a। टू को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan inverse 1/a। और ये देखिए आपने इसका कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से देखिए साइन को पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, ये बी की वैल्यू हो गई, और यहाँ से देखिए इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये आपके पास ए की वैल्यू हो गई। तो यहाँ ए की वैल्यू आप रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, अवधेश कह रहे हैं दिख नहीं रहा, सभी को वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है जल्दी से कमेंट करें, वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है जल्दी से कमेंट करें, एक बार हम नेटवर्क को रिफ्रेश कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बताएं वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है जल्दी से कमेंट करें, वीडियो क्लियर दिखाई पड़ रहा है जल्दी से कमेंट करें, पेशेंस रखें, नेटवर्क को रिफ्रेश कर दिया हमने, अभी देखने लगेगा। नेटवर्क देखने लगेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जिसको दिख रहा हो कमेंट में यस कर दें, वीडियो क्लियर दिख रहा हो तो कमेंट में यस करते रहें। एक बार आपकी जो स्क्रीन है उसको टच कर लें, जो स्क्रीन आपकी है उसको दोबारा से टच कर लें, इधर से नेटवर्क बिल्कुल ओके है, एक बार आप नेटवर्क को देख लें और स्क्रीन को अपने टच कर लें, और थोड़ा पेशेंस रखें देखने लगेगा। जिसको दिख रहा हो कमेंट में यस करते रहें, वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें, नेटवर्क क्लियर हो जाए तो कमेंट में यस कर दें। नाजिया कह रहे हैं देखने लगा, वो नेटवर्क क्वालिटी पे डिपेंड करता है बेटा, आप नेटवर्क थोड़ा सा सही से आ जाओगे तो वो दिखने लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। महेंद्र कह रहे हैं दिख रहा होगा, दुर्गेश यस, अंकित सिंह दिख रहा है ओके, आयुष यस, कुलदीप, ये वीडियो ऑफलाइन भी पड़ा रहेगा, आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, इसको कभी भी देख सकते हैं, आप इसको दोबारा से देख लिया करें, ठीक है, ये वीडियो ऑफलाइन भी रहता है, अच्छा नेटवर्क हो जाए तब इसको देख ले सकते हैं। ओके ठीक है, अभी सबको क्लियर दिख रहा है ओके। चलिए इसमें हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू आपके पास थी इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, इसमें आइडेंटिटी लग रही थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैंने आइडेंटिटी का यूज़ किया हुआ है, यक्स इज इक्वल टू साइन ए मान लिया, वाई इज इक्वल टू साइन बी, इसको अलग अलग इसलिए क्योंकि यक्स वाई दो वेरिएबल है, तो हम मानेंगे भी नहीं, दो टाइप से आपसे मानेंगे।
अब इसके बाद जब वैल्यू रखा तो ये फार्मूला बन रहा है कॉस ए, ये फार्मूला बन रहा है कॉस बी। अब यहाँ कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्म लगाया और यहाँ साइन सी मैंने साइन टी का लगाया, कॉस कॉस कैंसिल, टू टू कैंसिल, ये वैल्यू बची। इस साइन को हमने इधर पक्ष, ये कॉस को हमने इधर ले गए और ए को इधर ले गए, तो वन अपान ए हो गया। दोनों एंगल सेम है, साइन अपान कॉस टैन हो गया, टैन को राइट साइड में कर दिया और ये वैल्यू आ गई, टू को पक्षांतर कर दिया। अब ए की वैल्यू रखा मैंने साइन वर्स एक्स और बी की वैल्यू हमने रखा, ये देखिए बी की वैल्यू हमारे पास है साइन वर्स वाई और इज इक्वल टू हो गया टू टैन इनवर्स वन अपान ए। अब आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, दोनों पक्षों का जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करेंगे टैन इनवर्स वन अपान ए को। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपान अंडर रूट में वन माइनस स्क्वायर, साइन वाई साइन इनवर्स वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपान अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर, वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये देखिए आपके पास क्या है, ये टू कॉन्स, ये पूरा ही कांस्टेंट है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो जाएगा वन अपान अंडर रूट में वन माइनस स्क्वायर, वन अपान अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप इसको उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस वैल्यू को पक्षांतर कर दीजिए फिर से राइट साइड पे, तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये तो आपको प्रूफ ही करना था। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, पूरे का रूट ले सकते हैं, हालांकि पूरे का रूट यहाँ पर नहीं था लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था, अब आपके तीन क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बच रहे हैं। आज आपका होमवर्क केवल तीन ही होमवर्क दिए गए हैं और आज सैटरडे है तो ध्यान दीजिएगा, कल आपका संडे है और संडे की क्लास हम सोच रहे हैं, तो संडे क्लास ली जाए कि ना ली जाए जल्दी से कमेंट कर दें। संडे की क्लास के लिए, संडे क्लास के लिए कितने लोग तैयार हैं जल्दी से कमेंट करें, संडे क्लास ले ली जाए। वैसे संडे क्लास हम ले तो लेते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तभी संडे क्लास को लेंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। मेजॉरिटी ज़्यादा होने पर ही क्लास को लिया जाएगा। बबलू तिवारी कह रहे हैं ना ले जाए, ओके, नाजिया कह रही है ले लीजिए, अधिकतर लोग कह रहे हैं लेकिन बबलू तिवारी मान नहीं रहे हैं भैया, सुरेश नहीं मान रहे हैं। महेंद्र भी कह रहे हैं ले जाए, प्रिंस कह रहे हैं ना ले जाए, आयुष नहीं, मिला जुला रिस्पॉन्स है संडे के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि संडे की क्लास के लिए आपका प्रॉब्लम स्टेट कर देते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो आप फ़ोन द्वारा या फिर आप व्हाट्सएप में
कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि संडे क्लास में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तो ज़्यादा लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो संडे क्लास हम नहीं ले रहे हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को लगेगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप व्हाट्सएप में शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग की मंडे को लगेगी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। आज आपके पास 3 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, इनको लगाइएगा, आगे क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा। और बाकी के वीडियो जो हैं आपके 12 वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप ज़रूर देख लें, ठीक है। जो पिछले वीडियो पड़े हुए हैं उनको आप ज़रूर देख लें, और नोट सबके बनाते रहें। पिछले वीडियो को कुछ लोगों ने नहीं देखा हुआ है, तो अगर वीडियो देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, हमारा ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आगे क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। ओके, बाय। हेलो, हाँ बताएं।